हेलो बच्चों वेलकम टू एलएन मैं यशवंत कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन डेली वो भी हर सब्जेक्ट से एक-एक ठीक है सो नाउ मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस सीरीज को बहुत ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे होंगे और डेली जो आप लोगों को चैलेंज मिल रहा है उसको जरूर सॉल्व कर रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता रहे होंगे ठीक है तो आइए बच्चों आज की प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं ठीक है सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बोर मैग्नेटॉन एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग बच्चों क्वेश्चन तो बहुत आसान सा दिख रहा है लेकिन है बहुत अच्छा ठीक है किस तरीके से किन किन चीजों का यहां पर ध्यान रखना है वो आइए समझते हैं सबसे पहली चीज यहां पर दी हुई है

पाई स्टार एंड डेल्टा और अंजीरेड कौन कौन से होते हैं बच्चों अंजीरेड आपके होते हैं सिग्मा स्टार पाई एंड डेल्टा स्टार तो इन ऑर्बिटल्स में जो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको अपन जीरेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं ठीक है चलिए तीसरी बात बच्चों यहां पर ये ध्यान देने वाली है कि कहां पर एसपे मिक्सिंग होती है यानी कि किन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एसपी मिक्सिंग होता है तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान में रखना है तो आइए बच्चों मैं यह चीज भी समझा देता हूं मिक्सिंग कब होती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन एट हो तब आपका एसपी मिक्सिंग होता है ठीक है सो इन तीनों चीजों का अगर अपन ध्यान रख लेंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पहला ऑप्शन यहां पर देखते हैं Li2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों 6 तो इसमें किस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 1 2 3 4 तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहां पर कुछ नहीं आएगा ये हो जाएगा बच्चों आपका सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s अब बच्चों अगर अपन बात करें कि μ0 होना चाहिए सर μ0 है इसके लिए

सी ऑप्शन की बात करते हैं सी ऑप्शन में किस तरीके से भरेंगे इस तरीके से भरेंगे वन टू थ्री फोर नाउ ओ टू टू माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों एटीन तो यहां पर एस पे मिक्सिंग नहीं होगा तो बच्चों किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरीके से भरे जाएंगे नाउ बात करते हैं दो यहां पर हो गए दो चार दो छ दो आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अट्ठारह ठीक है नाउ क्या आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं तो आपका म्यू जीरो हो गया ठीक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दूसरी बात करते हैं अपन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वो भी बॉन्डिंग जीरेड मोलिकुलर ऑर्बिटल में तो अगर अपन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक तो ये हो जाएगा बच्चों ये सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा पाई पाई स्टार ठीक है अब सबसे पहले बॉन्डिंग देखते हैं तो बॉन्डिंग कौन कौन सा हुआ बच्चों टू प्लस टू सिक्स फोर प्लस टू बॉन्डिंग की बात हो गई ठीक है और जीरेड भी देखना है अपने को का मतलब क्या हो गया बच्चों पाई स्टार देखेंगे पाई तो आपका अंजीरेड होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा पाई स्टार आपका जीरेड होता है लेकिन पाई स्टार आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन काउंट नहीं करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में सिग्मा में दो सिग्मा में दो और सिग्मा में दो छह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी है और सिग्मा आपका जीरेड होता है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन की बात करते हैं डी ऑप्शन में अपन देखते हैं कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से बारह कैसे भरेंगे बच्चों वन टू थ्री फोर यहां पर एसपी मिक्सिंग बिल्कुल होगा तो क्या हो जाएगा इस तरीके से भरे जाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नो दस ग्यारह और बारह यहां पर इनकी वैल्यू जीरो है लेकिन आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार और ये क्या हो जाएगा पाई ठीक है तो यहां पर अगर आप सिक्स इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो भी बॉन्डिंग में तो बॉन्डिंग में बच्चों दो प्लस दो चार और इनको बॉन्डिंग में देखोगे तो बॉन्डिंग में ये आठ इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहीं पर ही ये डाउट आपका मतलब ये ऑप्शन आपका हट जाता है ठीक है वैसे भी आपका पाई जो होता है वो अनजीरेड होता है तो यहीं से आपका ये डी ऑप्शन हट जाता है और आपका क्लियरली ऑप्शन तो में तीन चीजों का ध्यान SP mixing, और आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने ठीक है बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको तो सही आंसर पाया होगा ठीक है बच्चों नाउ अब आपको इस वीडियो के एंड में एक नया क्वेश्चन मिलेगा बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए और उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए थैंक यू सो मच